अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। मैं हूँ माहरूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में कौन होगा वजीर, कौन बनेगा मुशीर, पंजाब काबीना के नाम आज फाइनल होने का इम्कान है। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ असलम इकबाल, अलीम खान, यासिर हमायूं, मियाँ महमूदुर रशीद को वजारत मिलने का इम्कान है। आकिब तनवीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आकिब तनवीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो पंजाब काबीना कौन से गुजरा है और उनको कौन कौन से महकमे दिए जाएंगे, इसका भी फैसला आज होना है। तो इसी हवाले से बनी गाला इस्लामाबाद में मुशावरत की जाएगी। पहले मरले में 15 गुजरा को कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है, और इसमें बताया जा रहा है, जो जराए हमारे कन्फर्म करते हैं कि पीटीए के नजरियाती और सीनियर इरकान जो है उनको भी वजारतें दी जाएंगी, जिसमें मियां महमूद रशीद को हाउसिंग और CNW, जबकि अलीम खान को सीनियर वजीर बनाए जाने का इम्कान है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो वजीर तहत। इसके साथ साथ जो सिप्तान खान है उनको वजारत ज़रात का जो शोबा है वो दिया जाएगा, जबकि समीउल्लाह को चीफ वेब और हाशिम जवां बख्त को तालीम, हुसनैन बहादुर देशक को वजारत खजाना का कलमदान जो है सौंपा जाएगा, और मियाँ असलम इकबाल को और फयाजुल हसन चौहान, इनके दरमियान अभी कोई फैसला नहीं हो सका, कोई इतला नहीं है, क्योंकि इनको वजारत इतलात का जो कलमदान है वो भी सौंपा जाएगा। इसके साथ साथ जो राजा बिशारत पार्लिमानी अमूर को देखेंगे और जानजेद खिच्ची को लाइफ स्टॉक, जबकि राजा यासर हमायों जो है उनको हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी देने पर भी गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लाहौर के दीगर MPs थे, जिनमें डॉक्टर मुराद रास, अजमल चीमा और हाफिज अमार और मोहम्मद रिजवान के नाम भी इस काबीना में शामिल किए गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई हतमी मंजूरी नहीं हो सकी। हतमी मंजूरी आज वजीर आज़म इमरान खान जो है वो मुलाकात के बाद ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आज गवर्नर पंजाब जो नामजद गवर्नर पंजाब है चौधरी सरवर और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार, इनकी मुलाकात भी है बनी गाला में वजीर आज़म इमरान खान से, और इस तमाम मशावरत के बाद ही फैसला किया जाएगा कि कौन से जो काबीना में जो लोग शामिल करने हैं उनमें किस किस को कौन कौन से ओहदे जो है वो दिए जाएंगे, किसको कौन सा कलमदान जो है वो सौंपा जाएगा। जी आज मुलाकात में मशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा कि किसको कौन सी वजारत मिलेगी। शुक्रिया आपका आकिब तनवीर।